नेशनल कॉन्फ्रेंस जिला रामबन के जॉइंट सेक्रेटरी फैज अहमद लोन ने जिला डोडा के गागला गांव का दौरा किया। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल गागला का भी दौरा किया। अपने इस दौरे के दौरान गवर्नमेंट स्कूल के छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों ने फैज अहमद लोन को बताया कि इन्हें स्कूल में स्कूल स्टाफ की सख्त कमी है। हाई स्कूल होते हुए भी स्कूल में पूरा स्कूल स्टाफ ही नहीं है। एक अन्य परेशानी के बारे में बताया गया कि पूरे गागला इलाके में पीने के पानी की सख्त किल्लत से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चों के लिए दोपहर का खाना तैयार करने में भी काफी दिक्कतें आती हैं। फैज अहमद लोन ने स्कूल स्टाफ स्कूल के अच्छे अनुशासन अच्छी पढ़ाई कराने पर गवर्नमेंट हाई स्कूल गागला के स्टाफ को बधाई दी है। फैज अहमद लोन ने कहा कि यहां पर सभी शिक्षक बच्चों को अच्छी शिक्षा अनुशासन सिखा रहे हैं, जिसके लिए फैज अहमद लोन ने गवर्नमेंट हाई स्कूल गागला के शिक्षकों और छात्र छात्राओं को बधाई दी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान फैज अहमद लोन ने प्रशासन से की गवर्नमेंट हाई स्कूल गागला में बच्चों के पीने के पानी की मांग की है। बताएं आप गवर्नमेंट हाई स्कूल गागला के मसले पे क्या कहना चाह रहे हैं सर? आप यहाँ पे आए और बहुत सारी मुश्किलात यहाँ पर हैं पेरेंट्स को और यहाँ पर ज़ेर तालीम जो बच्चे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, अभी हम गागला पंचायत के हाई स्कूल में मौजूद हैं। अभी ये नया नया अपग्रेडेशन हुआ है इस स्कूल का, तो हम काफ़ी दिन से यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे कि स्कूल जो अपग्रेड हुआ है, तो अपग्रेड होते होते इन स्कूलों में जो है टाइम तो लगता है, जैसे बहुत सारी कमियों को पूरा करने का तो वक्त लगता ही है। लेकिन हमने यहाँ जो है यहाँ के स्टाफ से बात की और पेरेंट्स से भी, बच्चों के पेरेंट्स से भी बात की। स्कूल का जो माहौल है बिल्कुल ठीक ठाक माहौल है। ये स्कूल जो है बिल्कुल रोड के किनारे पर वाका है, तो स्कूल की बिल्डिंग्स वगैरह जो फैसिलिटीज़ वगैरह जो हैं, स्कूल के बाकी टॉयलेट्स वगैरह जो हैं, जितने भी इंतजाम हैं उनमें कोई कमी नहीं है। थोड़ी सी कुछ बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की वजह से अभी कुछ देरी हो रही है, तो लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्कूल में बहुत अच्छा सिस्टम है। यहाँ के जो उसातिज़ा हजरात हैं तकरीबन सब ठीक हैं, हार्ड वर्कर हैं, और सफाई वगैरह के बारे में भी अगर हम बताएं तो मेरे ख्याल में अभी तक जो हमने ये पहला स्कूल देखा है गागला का, जो 80% जो है हमें श्योरिटी मिली कि बहुत अच्छा स्कूल है। लेकिन इस स्कूल की एक बहुत ही बड़ी एक कमी है, यहाँ पानी की प्रॉब्लम है। बूंद बूंद के लिए यहाँ जो है यहाँ के बच्चे स्टाफ जो है पानी के लिए तरसते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इंतज़ाम नहीं किया गया है अभी तक यहाँ, तो बच्चे जो हैं वो छोटी छोटी पानी की बॉटल्स लेके आते हैं घर से, जैसे हमने खुद देखे, तो उस पानी से क्या गुजारा चल सकता है। तो यहाँ कोई स्पेशल एक स्कीम जो है अलग से हम डिपार्टमेंट के लिए जो है रिक्वेस्ट करेंगे, अगर उसका इंतज़ाम किया जाता तो यहाँ के मसले जो थे वो हल हो सकते थे। इसके साथ साथ पंचायत गागला के अंदर बाकी भी और जितने भी स्कूल्स हैं सब ही इसका शिकार हैं। पानी की प्रॉब्लम जो है वो हर स्कूल में आ रही है। अभी जो यहाँ का इस स्कूल के बच्चों की स्ट्रेंथ जो है वो तकरीबन 100 से 150 के दरमियान है, काफ़ी तादाद है इस स्कूल में, लेकिन यहाँ जो स्टाफ है स्टाफ की काफ़ी कमी है। यहाँ पे पोस्टें जो हैं तकरीबन 14 पोस्टें हैं यहाँ की, तो अभी हमने 3 या 4 उसातिज़ा जो है यहाँ देखे, तो बाकी पोस्टें जो है वैकेंट है। अगर नॉन टीचिंग स्टाफ को जोड़ के देखा जाए तो यहाँ 18 पोस्टें हैं, लेकिन अभी यहाँ बहुत कमी है स्टाफ की, बच्चे सफ़र हो रहे हैं बहुत। और अभी जो है हमारी यहाँ स्टाफ से बात चल रही थी कि 56 सब्जेक्ट्स जो हैं वो इन उसातिज़ा को पढ़ाने पड़ते हैं, अब 3-4 उसातिज़ा जो हैं वो इनके कैसे बराबरी कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो यहाँ पे है, यहाँ जो इनकी बिल्डिंग एक कंस्ट्रक्शन में चल रही है, हम डिपार्टमेंट से गुजारिश करेंगे कि इस बिल्डिंग को जो है वो जल्द बनाया जाए। उसके बाद यहाँ मिड डे मील जो है बनाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, पानी ना होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ इनके पास में एक छोटा सा चश्मा है, लेकिन उस चश्मे का पानी भी बहुत कौड़ा है,
तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है खाना शाना बनाने में। इसके साथ साथ जो है हम डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि अभी जो स्टाफ की कमी चल रही है, इस कमी को जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाए।